नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नदी नदी से पानी से जस्ट बनाने का गंगा घाट नीचे थोड़ा क्या 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 मांगे हम लोग मांगे 15 फीट नीचे जाए, बहुत 25 फीट दूरी से उन लोग बना रहा है तो पानी के सामने से बनाने की मांग। इस पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पर हम लोग अनशन में बैठे हैं, हमारा अनशन पे कभी भी होगा तो हम लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे 4-5 हम लोग हैं, सब जाएगा वहाँ, उनका दोनों तरफ से किया जाए, क्योंकि लाल बिहारी यादव एक तरफ फोन करके सब नहीं, कर लेते हैं। इसमें जेईलो का कोई ये नहीं है, जब प्रशासन इसमें बोले कि जांच होगा उसके बाद ही कुछ काम होगा और उस पर कार्रवाई भी कीजिए। हम ग्रामीण लोग का बहुत अनदेखा किया है, हम लोग का शोषण हुआ है लाल बिहारी यादव के पास। देखिए तो मैं देख कैसे लिख के दे दिया, बिना बोले हम लोग को वार्ता भी नहीं कर रहे हैं, दूसरा से लिख कर दिए। 6 महीना का टाइम लिया था सरस्वती पूजा, अलग से आंदोलन हो जाएगा सर कि दागी आदमी सब हटो यहाँ से, पूरा नगर परिषद दागी है। ठीक है सर, के संज्ञान में आ चुका है ये चीज, उनको पता चल गया ना सर? आपके हिसाब से तो ये जेन्युइन नहीं होना चाहिए जब आप रिटर्न नहीं दे दिए, बिल्कुल उसके बाद आप काम स्टार्ट कर दिए, अभी आप लिख के दे देंगे कल के डेट में फिर ये वाला अपोजिट काम होगा तो हमको फोन करेंगे ना आप लोग? ये चीज हुआ ना, आप लोग फोन करेंगे ना? आप फोन करेंगे ना अपने प्रभारी को फोन करेंगे कि ऐसे बात हुआ था, ये होगा तो हमको बताएंगे ना, फिर देखेंगे उसका। जाचो उपरांत ही छठ घाट का कार्य प्रारंभ होगा, है ना? ग्रामीणों का तो स्थगित रहेगा ना? क्या बोले? ग्रामीणों के मांग के अनुसार होगा। देखिए एक मांग तो हम लोग कुछ भी मांग रखेंगे उस बात को लिखेंगे, ग्रामीणों के मांग के आधार पर ही सब कुछ होगा। पहले आप लोग बैठेंगे वहाँ, आप लोग बैठेंगे ना, सब प्रशासन सब बैठेंगे वहाँ पे, SDO मैडम तय करेंगे, टीम जाएगी उसके साथ बैठक करेंगे, तब ना वहाँ निर्णय होगा। अब लिख देंगे नहीं ग्रामीणों की मांग के तहत ही होगा तो आप बोलेगा कि आप तो लिख दिए थे। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, नीचे वाला हिस्सा को काट के वो लोग ढहा देगा, अभी जैसे भी 2 दिन के जैसे भी लगा के काट रहा है, अभी तो रुक गया काट, अभी रुक गया सर, अभी रुका है। जब इस तरह का हम लोग यहाँ फंक्शन शुरू होगा तो लोग को देखिए, अभी लाल बिहारी यादव ऐसे थोड़ी आया है, आपका जुगेश बेदी ऐसे थोड़ी आया है, दबाव बनाया बोला कि जाओ मैनेज करो। योगेश बेदिया, इतना बड़ा घटना हो गया वहाँ, एक बार नहीं आया, 7 दिन पहले ऑफिस में नगर परिषद पूरा करप्ट है सर, निर्वाचित से लेकर जेई से लेकर हर एक, आज अनशन जब हुआ उसके बाद वो दौड़े हुए हैं। सिर्फ आपके विभाग में हम चिट्ठी दिए, उनके विभाग नगर परिषद में भी चिट्ठी गया, 15 तारीख को आपके विभाग में निकाला गया, उनके विभाग में 15 तारीख से आज 22 तारीख हो गया, 7 दिन के अंदर वो चाहते तो संपर्क साध सकते, बाकायदा हमने सिग्नेचर के साथ मोबाइल नंबर भी डाला है। लेकिन देखिए जब यहाँ सब ग्रामीण जुट एकजुट हो गया, हम लोग अनशन में बैठ गए, तब आके सोच रहा है कि हम लोग अभी हमको यहाँ पे बोला कि हम ऑर्डर दे दे रहे हैं लाल बिहारी जी को, ऑर्डर ऑर्डर स्थगित कर देते हैं, जांच का नहीं देते हैं, हम लोग जांच भी मांग रहे हैं। पिछले 7 जून से हमारे अरगड्डा नीचे धोड़ा के सारे ग्राम एकजुट होकर छठ घाट निर्माण में जो अनियमितता और मनमानी हो रही थी उसके विरोध में विभाग से और संवेदक से भी गुजारिश की थी कि इसमें सुधार हो, किंतु सुधार नहीं होने की स्थिति में लगातार 3 दिनों के संघर्ष पर जब हमें कोई उपाय नहीं हुआ, तब हम लोग 9 तारीख को दिनांक 9 जून को सभी ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे, तब विभाग से सहायक अभियंता लाल बिहारी यादव हमारे समक्ष आए और हमें समझा बुझा कर आश्वासन देते हुए क्या है लिखित आश्वासन दिए कि ये काम को अभी मैं स्थगित करवा रहा हूँ और पुनः इस काम को सरस्वती पूजा बाद बरसात के बाद
शुरू करूंगा नए प्रारूप के साथ और ग्रामीणों के अनुसार ही काम को किया जाएगा। लेकिन इन लोगों का मनमानी, कुछ भाड़े के ग्रामीणों को बुलाकर हमारे आंदोलन को गलत दिशा दिखाते हुए उन्होंने फिर से आंदोलन धरना किया और धरना करने के बाद यही हमारे सहायक अभियंता लाल बिहारी यादव जी ने फिर उनको लिखित दे दिया कि आप काम फिर से शुरू कीजिए। इसको लेकर हम ग्रामीणों ने पुनः फिर से बैठक कर एक सहमति बनाते हुए उपायुक्त महोदय रामगढ़, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार, थाना प्रभारी, नगर परिषद आदि सभी को सूचना मांगे दिया। जो अनशन बैठा इस पे स्पष्ट क्या आप लोग बोलना चाहेंगे? हमारी मांग है कि नदी का घाट जो निर्माण हो रहा छठ घाट, वो सही तरीका से नदी के तट को स्पर्श करते हुए हो, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग आमरण अनशन में बैठने के लिए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हमारे सारे ग्रामीण हम लोगों के साथ हैं और हम लोग तब तक अनशन नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। बस इतना ही।